बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ मुल्तानी मिट्टी के ऐसे फेस पैक की रेमेडी शेयर करने आई हूँ जिसके इस्तेमाल से आप लोगों के फेस के तमाम ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। यकीन मानिए, ऐसी जबरदस्त आज की रेमेडी है कि अगर आप लोगों के फेस पर एक्ने है, स्कार्स है, डबल टैन हो गया है, अनइवन स्किन टोन का मसला है, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स का इशू है, ओपन पोर्स का इशू है, लार्ज ओपन पोर्स का इशू है, तो सभी चीजों का हल आज की रेमेडी में है। तो आप लोगों ने वीडियो को ध्यान से देखना है और ये फेस पैक तैयार करना है। वीडियो को इस पर फॉरवर्ड नहीं करिएगा ताकि तमाम चीज़ों को बहुत ज़्यादा इजीली समझ सके। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने प्यारों के साथ ताकि तमाम ही लोग इस तरह की अमेजिंग रेमेडीज से फ़ायदा उठा सके। और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे तमाम आने वाले फ्यूचर नोटिफिकेशंस आप लोग तक टाइमली पहुंच सके। इसके साथ साथ जो लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं मेरी पर्सनल प्रोडक्ट्स बाय करने के लिए, उनको मैं बता दूं मुजम्मिल डॉट नादिया इंस्टाग्राम आईडी पर मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए। एज सून एज पॉसिबल आप लोगों को रिप्लाई आप लोगों की बात का मिल जाएगा। और आप लोगों को अगर प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई बात करनी हो मेरी प्रोडक्ट से तो आप लोगों ने इंस्टाग्राम आईडी पर आना है। अदरवाइज आप लोगों को यूट्यूब से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना है तो आप लोग कमेंट सेक्शन पर ही करेंगे। इस फेस पैक की तैयारी के लिए आप लोगों ने 1 टीस्पून ऑफ मुल्तानी मिट्टी लेनी है। मुल्तानी मिट्टी इस सीजन में लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, गर्मियों का तोड़ है, बहुत ज्यादा गर्मी है, आप लोगों की स्किन को ठंडक पहुंचाएगी, आपकी स्किन को स्किन बर्निंग से बचाएगी, जलन से बचाएगी। किचन में काम कर रहे हैं, बाहर आ रहे जा रहे हैं, स्किन बहुत ज्यादा खराब हो रही है, मुल्तानी मिट्टी बेस्ट सॉल्यूशन है और बहुत ज्यादा सस्ता सॉल्यूशन है। किसी भी वे में ले सकते हैं, पत्थर की फॉर्म में भी ली जा सकती है, पाउडर फॉर्म में भी ली जा सकती है। अगर आप लोगों के पास पत्थर फॉर्म है तो उसको आप लोग तोड़ लीजिए बारीक बारीक, और आप जो है जब कूट लेंगे तो वो बारीक बारीक पिस जाएगी। इसके अलावा ओरिजिनल मुल्तानी मिट्टी लेने की कोशिश करिएगा ताकि आपकी स्किन पर रिजल्ट्स बहुत ज्यादा अच्छे आए। 1 टीस्पून ऑफ मुल्तानी मिट्टी मैंने यहाँ पर ले ली है। अगर आप लोग इस फेस पैक को रोजाना इस्तेमाल नहीं कर सकते तो आप लोगों ने इस फेस पैक को कम अज कम हफ्ते में 3 बार लाजमी इस्तेमाल करना है अगर आप लोग चाहते हैं आपकी स्किन की कंडीशन अच्छी रहे। इसके अलावा आप लोगों ने यहाँ पर खुश्क दूध लेना है। यहाँ पर मैं खुश्क दूध ले रही हूँ, 1 टीस्पून मैं ड्राई मिल्क ले रही हूँ। ड्राई मिल्क हमारी स्किन पर बहुत ज़्यादा अच्छी सी वाइटिंग देखा जाता है। भाई जाहिर सी बात है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, स्किन का कलर बहुत ज़्यादा डल हो रहा है, इसीलिए तो हम लोग ऐसी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं कि हमारी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छे से निखर जाए। अगर कुछ लोगों के पास खुश्क दूध ना हो तो यहाँ पर 1 टीस्पून वो लोग दही भी ले सकते हैं। इसके बाद आप लोगों ने स्किन पर ठंडक लाने के लिए, सुकून मजीद लाने के लिए 1/2 टीस्पून ऑफ एलोवेरा जेल के शामिल करने हैं। एलोवेरा जेल हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, हमारी स्किन को बहुत ज्यादा फायदे देकर जाता है, तो इसलिए 1/2 टीस्पून ऑफ एलोवेरा जेल आपने इसमें ऐड कर लेना है। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर व्हाइटनिंग कैप्सूल्स का यूज करना है। आप लोग 2 व्हाइटनिंग कैप्सूल्स ले लीजिए, आप लोगों को इजिली मार्केट से 5-10 रुपए के इजिली मिल जाएंगे। 2 व्हाइटनिंग कैप्सूल्स बहुत है, ये बहुत ज्यादा अच्छी आपके फेस पर व्हाइटनिंग देता है, बहुत ज्यादा अच्छी सी ग्लो देता है, बहुत ज्यादा अच्छी सी शाइनिंग देता है, इसके रिजल्ट भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं और इससे कोई नुकसान भी नहीं है। आप लोगों ने 2 व्हाइटनिंग कैप्सूल्स कट करके इसमें डाल देना है। अच्छा, एलोवेरा जेल के बारे में भी मैं बताऊँ, एलोवेरा जेल बहुत ज्यादा 2 नंबर आ रहा है तो आप लोगों ने अच्छा वाला, थोड़ा महंगा है, 500 तक का आपको अच्छा वाला एलोवेरा जेल मिलेगा, तो आप लोगों ने वो वाला लेना है। सस्ते वाले एलोवेरा जेल बिल्कुल बेकार है, उनके कोई रिजल्ट ही नहीं है। अदरवाइज आप प्लांट खरीद लीजिए, प्लांट बेस्ड एलोवेरा जेल आप लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं, वरना वो जो सस्ते वाले हैं उनके रिजल्ट ज्यादा अच्छे नहीं है। आप लोगों ने कोशिश करनी है जो व्हाइट एग मैंने इस्तेमाल किया यही वाले व्हाइट एग आप लोग लेंगे, यूवीऑन के कैप्सूल मत ले लीजिएगा। इसके बाद आप लोगों ने 1/2 टीस्पून ऑफ हल्दी के यूज करने हैं। हल्दी एंटी बैक्टीरियल होती है, एंटी फंगल होती है, आपकी स्किन पर एक्ने वगैरह को, किसी भी किस्म की परेशानी को हल्दी आने ही नहीं देती, आने से पहले ही स्टॉप इट कर देती है, तो हल्दी के तो बेशुमार फायदे हैं। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर जॉनसन्स का पाउडर लेना है। जॉनसन्स का पाउडर आप लोगों ने यहाँ पर थोड़ा बहुत डालना है, 2 टेबल स्पून भरकर डाल दीजिए। मैंने अंदाजे से डाला है, तकरीबन 2 टेबल स्पून होगा। आप लोग इसको डालेंगे ना तो आपके फेस पर जो ओवर स्वेट है ना वो खत्म हो जाएगी, आप लोगों के फेस के ऊपर ओवर स्वेटिंग नहीं होगी, आप लोगों के ऑयल को कंट्रोल करेगा। इवन ये कि अगर आप लोग खाली जॉनसन्स पाउडर फेस पर 3
से 4 मरतबा अगर दिन में लगा लेंगे तो आपका ऑयल बहुत ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल करेगा। जॉनसन्स पाउडर का ही नाम क्यों ले रही हूँ, वो इसलिए ले रही हूँ कि इससे कोई नुकसान नहीं है, बच्चों की स्किन के लिए होता है, बहुत ज़्यादा माइल्ड होता है, तो आप लोग अपने स्किन पर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप लोगों ने अपने फेस को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है और फिर इसको अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करेंगे 10-15 मिनट तक लगा रहने देंगे और फिर ठंडे पानी का छींटा मारकर अच्छे तरीके से मसाज करना अपने फेस का स्टार्ट कर देंगे। आप लोगों ने राउंड राउंड फेस का मसाज करना है ताकि स्किन अंदर तक से आपकी क्लीन और क्लियर हो जाए। इसके अलावा जब आप लोग इसको लगाए रहने देंगे ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स वगैरह का जो इशू है वो भी रिजॉल्व होगा, वो भी फूलेंगे, जब आप मसाज करेंगे तो वो भी इंशाल्लाह बाहर निकलेंगे या फिर जरा सा आप मसाज करने के बाद पुशअप करेंगे तो वो निकल जाएंगे। इस इस्तेमाल से आप लोग के लार्ज ओपन पोर्स का इशू भी रिजॉल्व हो जाएगा, आपकी स्किन का बर्निंग जो है वो भी खत्म होगी, मसाज करते जाएंगे स्किन क्लीन एंड क्लियर होती चली जाएगी, स्किन शाइनिंग की तरफ भी आएगी क्योंकि हम लोगों ने इसमें इंग्रीडियंट्स इतने जबरदस्त शामिल किए हैं। स्किन की व्हाइटनिंग और ब्राइटनिंग के लिए कैप्सूल्स वगैरह यूज किया है, पाउडर यूज किया है, ओवर स्वेटिंग नहीं होगी, मुल्तानी मिट्टी यूज की है, पिगमेंटेशन हाइपर पिगमेंटेशन के इश्यूज भी रिजॉल्व होंगे, डार्क स्पॉट्स वगैरह के इश्यूज भी रिजॉल्व होंगे। जब आप लोग अच्छी तरीके से मसाज कर लेंगे उसके बाद अपने फेस को आप लोग वॉश करेंगे, वॉश करने के बाद जो रिजल्ट होंगे वो इंतहाई अमेजिंग होंगे, खाली देखने से कुछ भी कमालात नहीं होने वाले। आप लोगों ने इस रेमेडी को लाजमी ट्राई करना है, क्या रेमेडी को बनाकर रख सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल रख सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं है, 3 से 4 दिन आराम से फ्रिज के अंदर रेमेडीज चल जाती हैं। अगर आप लोगों ने एलोवेरा जेल बाजारी यूज किया है तो आराम से चल जाएगा, हाँ होम बेस्ड यूज करेंगे एलोवेरा जेल तो आप लोग इस रेमेडी को नहीं रख सकेंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन में आप लोगों ने इसको खत्म करना है। ठीक है जी, आप लोग हाथों पे पैरों पे नेक पे सब लगा सकते हैं, बच्चे बूढ़े जवान सब लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, जिस्म के हर हिस्से पर लगाई जा सकती है, रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अमेजिंग आएंगे, आपकी स्किन बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर हो जाएगी, बहुत ज़्यादा सुपर अमेजिंग हो जाएगी, स्किन की तमाम शिकायतें दूर हो जाएंगी। कब कब लगाना है? रोज़ाना ही लगा सकते हैं, जितना लगाएंगे उतने आप लोगों की स्किन पर फायदे होंगे। फर्स्ट वॉश में ही इंसान को अंदाज़ा हो जाता है कि ये चीज़ मेरी स्किन पर कितने अच्छे रिजल्ट्स देकर जा रही है। बेशक होम रेमेडीज़ है, थोड़ी तसल्ली से लगाइए, सुकून से लगाइए, दिलचस्पी से लगाइए और मैं ये कहती हूँ अकीदे से लगाइए, अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आप लोगों की स्किन पर पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, दिस इज मी नादिया मुजम्मिल साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। आपने रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल और मुझे रखिएगा अपनी खास दुआओं में याद। अगर आप लोग फिश ब्यूटी से कुछ भी बाय करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्किन एंड हेयर्स तो आप लोगों ने muzammil.nadia इंस्टाग्राम ID पर मेरी कॉन्टैक्ट करना है तो आप लोगों को मैं फ़ौरन ही रिप्लाइज करूंगी। लेकिन मैं यही कह रही हूँ muzammil.nadia पर आप लोग सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्रोडक्ट से रिलेटेड, मेरी प्रोडक्ट से रिलेटेड बात कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन पूछना है, कोई बात समझ में नहीं आई तो नीचे कमेंट सेक्शन में आकर पूछ सकते हैं।